भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज क्रिकेटर गौतम गंभीर को टीम इंडिया का मुख्य कोच घोषित किया गया है। बीसीसीआई सचिव जैसा ने गौतम गंभीर का नाम इंडिया के कोच के रूप में घोषित किया है। बता दें कि राहुल द्रविड़ का कार्यालय आईसीसी टी20 विश्व कप के बाद खत्म हो गया था और उसके बाद से ही अब पद खाली है। बीसीसीआई के 3 सदस्यों वाली क्रिकेट सलाहकार समिति ने टी20 विश्व कप के दौरान ही गौतम गंभीर से साक्षात्कार लिया था। इस दौरान टीम इंडिया तूफान के चलते जब बार बार फंसी हुई थी, तब जय शाह ने यह बात साफ किया था कि मुंबई पहुंचने के बाद सभी पक्षों के बात कर टीम इंडिया का हेड कोच ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं मंगलवार को जय शाह ने गौतम गंभीर के नाम का ऐलान करते हुए कहा, ट्वीट किया कि मुझे गौतम गंभीर का भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में स्वागत करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है। आधुनिक क्रिकेट तेजी से विकसित हुआ है और गौतम ने इस बदलते परिदृश्य को करीब से देखा है। अपने पूरे करियर में कठिनाइयों को सहने और विभिन्न भूमिकाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद मुझे विश्वास है कि गौतम भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए आदर्श व्यक्ति है। जय शाह ने गंभीर को लेकर आगे कहा, टीम इंडिया के लिए उनका स्पष्ट दृष्टिकोण उनके विशाल अनुभव के साथ मिलकर उन्हें इस रोमांचक और सबसे अधिक मांग वाली कोचिंग भूमिका को निभाने के लिए पूरी तरह से सक्षम बनाता है। बीसीसीआई उनकी इस नई यात्रा का पूरा समर्थन करता है। बता दें कि गंभीर ने भारतीय इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स के टीम के मैटर के रूप में काम किया था। गंभीर के मार्गदर्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स इस सीजन में आईपीएल खिताब जीतने में सफल रही थी। बता दें कि यह कोलकाता की तीसरी आईपीएल ट्रॉफी थी।